नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। दतिया के मकूनी गांव में हुए हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 40 बीघा जमीन के लिए रेखा और उसके बच्चे की गला घोटकर हत्या की गई थी। दरअसल करीब एक हफ्ते पहले पुलिस को सूचना दी गई थी कि रेखा और उसका 4 साल का बेटा शिवा घर से गायब है। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उसे कमरे और फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए। शक के बिना पर पुलिस ने रेखा की भाभी कुसुम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने प्रेमी परशुराम और धर्मेंद्र के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम देना कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि 40 बीघा जमीन के लिए उन्होंने रेखा और 4 साल के मासूम की हत्या कर शव को राजापुर नहर में फेंक दिया था। 4 जनवरी 2019 को डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि उनाव थाने अंतर्गत ग्राम मकोनी में महिला रेखा दोहरे और उसका 4 वर्षीय पुत्र शिवा दोहरे वो रात से कहीं गायब हैं, जिस पर से तत्काल पुलिस वहां पहुंची थी। DSP श्री अभिनव बारंगे वहां पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया, जिस पर से उन्हें कहीं कहीं पर खून के कुछ धब्बे प्राप्त हुए, जिस पर से उनका शक गहराया। इसके पश्चात कड़ाई से पूछताछ करने पर और जो क्लूज वगैरह हैं आने जाने वालों की तलाश करने पर इससे हमें पता लगा कि 2 व्यक्तियों का वहाँ पे आना जाना हुआ था। सख्ती से पूछताछ करने पर जो उसकी भाभी है कुसुम दोहरे इस पर भी शक हुआ, क्योंकि वो 2 ही महिलाएं उस घर में निवास कर रही थी। उनसे पूछने पर और क्लूज को कनेक्ट करने पर ये पता लगा कि कुसुम दोहरे ने अपने 2 सहयोगी परशुराम और धर्मेंद्र कोरी, परशुराम भंडेर क्षेत्र में गांव का रहने वाला पर ये धर्मेंद्र झांसी के राजगढ़ का रहने वाला है, इन दोनों के साथ मिलकर जमीन और संपत्ति के लालच में अपनी भाभी रेखा दोहरे और उसके 4 वर्षीय बालक शिवा दोहरे की हत्या करके पड़ोस की में बहने वाली नहर में फेंकवा दिया और उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर से तत्काल इन दोनों को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके 2 दिन अथक प्रयास के बाद और सिंचाई विभाग की मदद से नहर को रुकवा कर उसमें से रेखा दोहरे का शव बरामद किया गया। इन दोनों आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए थाना उन्नाव की टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।